दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के राहुल गांधी पर दिए विवादास्पद बयान के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब पुलिस के रोकने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे भिड़ गए। प्रदर्शन कर रहे लोग सड़क पर लगाई पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने में जुट गए। 3 दिन पहले रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर विवादास्पद बयान दिया था और उसी विवादास्पद बयान के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिस पर वो भड़क गए। कुछ लोग बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए और फिर वहां हंगामा शुरू कर दिया। यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जो पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा है उसके ऊपर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी इस वक्त देखिए चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोग बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आए, जबकि दूसरी तरफ पुलिस के जवान उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत से मोर्चा संभाले रहे। उस दौरान पुलिस की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ताओं से प्रदर्शन नहीं करने की अपील की गई। आपसे अनुरोध है किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन ना करें, इससे आपको भी चोट लग सकती है। लेकिन पुलिस की अपील के बाद भी वहां हंगामा और बवाल नहीं थमा। बाद में कुछ लोग पुलिस की बैरिकेडिंग पर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला लेकर चढ़ गए और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, लेकिन वहां अफरा तफरी तब मच गई जब यूथ कांग्रेस के लोगों ने प्रधानमंत्री के पुतले को आग के हवाले कर दिया। इससे कांग्रेस दफ्तर के गेट के बाहर आग की लपटें उठनी शुरू हो गईं। हर तरफ धुएं का गुबार छा गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ। सड़क पर प्रधानमंत्री का पुतला जलाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर वहां नारे लिखी, तख्तियां लेकर हंगामा शुरू कर दिया और पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश में जुट गए। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग तो बैरिकेडिंग को गिराने के लिए उसे जोर जोर से हिलाने में जुट गए, लेकिन उनकी हर कोशिश पर पुलिस के जवानों ने पानी फेर दिया। उसी दौरान कुछ लोग हाथों में प्रधानमंत्री मोदी के पुतले लिए नजर आए। उनमें कुछ लोग बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और फिर उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। बाद में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने राहुल गांधी पर विवादास्पद बयान देने वाले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर हमला बोला। बिट्टू डरो मत, तुम्हारा मंत्री पद जा रहा है करके इस तरीके से बयानबाजी कर रहा है, शर्म आना चाहिए। काफी देर तक कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामा होता रहा। बाद में पुलिस अधिकारियों ने कांग्रेस के लोगों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की, लेकिन जब वो नहीं माने और हालात बिगड़ने लगे तो पुलिस ने उन पर एक्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और फिर उन्हें बसों में बैठाकर वहां से थाने ले गए। लेकिन सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ हैदराबाद और जयपुर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। हैदराबाद में तो विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस की कार्यकर्ता चरक की एक शहर की एक सड़क पर धरने पर बैठ गई, जिससे वहां के हालात बिगड़ गए। इसके बाद पुलिस ने धरने पर बैठी कांग्रेस की कार्यकर्ताओं पर एक्शन ले लिया। पुलिस के लोग उन्हें सड़क से जबरन हटाने में जुट गए। इस पर प्रदर्शन कर रहे लोग भड़क गए। इसी बीच कांग्रेस की एक कार्यकर्ता को पुलिस ने वहां से उठाकर गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहां से हटाने में पुलिस के पसीने छूट गए। कोई उन्हें कार में अंदर की तरफ खींचता दिखाई दिया तो कोई उनके पैर को अंदर धकेलने में जुटा रहा। काफी मेहनत के बाद उन्हें किसी तरह कार में बिठाया गया, लेकिन जैसे ही पुलिस उन्हें लेकर आगे बढ़ी उनके साथियों ने पुलिस की गाड़ी को ही घेर लिया। हालांकि पुलिस ने हंगामा कर रही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां से हटा दिया। इसी तरह राजस्थान की राजधानी जयपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। पुलिस के रोकने पर वो लोग पुलिस से भिड़ गए। कुछ लोग तो पुलिस वालों से उलझने की कोशिश करते दिखे। बाद में विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोगों ने धरना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में किसी तरह पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को सड़क से हटाया। और इसी तरह देश के अलग अलग शहरों में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ प्रदर्शन किया। रवनीत सिंह बिट्टू से जुड़े इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी ने सिख समुदाय पर एक बयान दिया था और उनके उसी बयान पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भड़क गए थे। उन्होंने राहुल गांधी पर सिख समुदाय को बांटने का आरोप लगाते हुए उन पर विवादास्पद बयान दे दिया था। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, क्या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी। रवनीत सिंह बिट्टू के इस बयान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दिल्ली समेत कई शहरों में कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी और रवनीत सिंह बिट्टू समेत कई नेताओं पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया और उन पर कार्रवाई की अपील की।
इस पर रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का समर्थन करने का आरोप लगा दिया। अब मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखने के बजाय राहुल गांधी को जो पन्नू ने सपोर्ट किया है, देश को तबाह करने ने सपोर्ट किया है, उसके बारे में आप खंडन करते। राहुल गांधी पर विवादास्पद बयान देने के मामले में कांग्रेस ने रवनीत सिंह बिट्टू समेत चार नेताओं के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज करवा दिया।